इन चोरों को ठगी का ऐसा जोश सूझा कि उन्होंने ये जानने की जहमत नहीं की कि जिसे फोन लगाया है वो नंबर आखिर है किसका। साइबर ठगी के तमाम मामले आपने देखे होंगे, लेकिन ये अब तक का सबसे दिलचस्प ठगी का मामला सामने आया है, जहां साइबर फ्रॉड करने वालों ने पुलिस बनकर पुलिस को ही फोन कर दिया और तो और बड़े आत्मविश्वास के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देना चाहा। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। देश में साइबर क्राइम बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इससे बेखबर लोगों को स्कैमर अपने जाल में फंसने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच केरल के त्रिशूर में एक ऐसी ही दिलचस्प घटना घटी, जिसका वीडियो देखकर लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि जालसाज ने खुद को मुंबई पुलिस का अफसर बताकर गलती से त्रिशूर साइबर सेल के अधिकारी को ही फोन कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर यकीन मानिए आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। वायरल हो रहे वीडियो में त्रिशूर पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से स्कैमर को उसकी ही चाल में फंसाया वो काबिले तारीफ है। ये घटना बताती है कि आम पब्लिक को भी ऐसे ही सतर्क रहना चाहिए और अनजान कॉल्स, मैसेज या फिर वीडियो कॉल्स की पूरी पड़ताल के बाद ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। माय कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली सर। यस, व्हाट डू यू डू? ദൈവമേ, മൂർഖനെയാണല്ലോ ചവിട്ടിയത്. നമസ്കാരം, നമസ്കാരം. वीडियो में आपने देखा कि जैसे ही त्रिशूर के पुलिस अफसर ने अपना कैमरा चालू किया तो स्कैमर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सामने असली पुलिस को देखते ही स्कैमर के पसीने छूट गए और असली वाले अफसर की हंसी छूट गई। इसके बाद साइबर सेल के अधिकारी ने कहा, ये सब करना छोड़ दो, मेरे पास तुम्हारी लोकेशन और तुम्हारी पूरी जानकारी आ चुकी है, बेहतर होगा कि तुम ये काम बंद कर दो। त्रिशूर सिटी पुलिस ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर की है, जिसमें मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। कई लोगों ने त्रिशूर पुलिस की त्वरित कार्रवाई और स्कैमर को बेनकाब करने की सराहना भी की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए आज की खबर।